प्राइम टीवी सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। बिना कैंडिडेट उतारे उपचुनाव में मायावती की एंट्री, बोली मुस्लिम के लिए बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड किसी से छिपा नहीं। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 7 वर्ष की सजा, भाई के दोस्त ने घर छोड़ने के बहाने किया था रेप। मिसिंग लड़कियों के होमवर्क में जुटी आजमगढ़ पुलिस, कुएं से मिली है 5 टुकड़ों में बॉडी, शव की शिनाख्त करा रही है पुलिस। अलीगढ़ में शराबी पिता ने बेटी को मारी गोली, मां से झगड़ा करने का विरोध करने पर लोहे की रॉड से पीटा, फिर 3 गोलियां दागी। आगरा में एबीवीपी के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, आरबीएस कॉलेज में घुसने को लेकर हुआ था विवाद, प्राचार्य ने कराई एफआईआर। गाजियाबाद में तांत्रिक ने 10 माह युवती से किया रेप, वीडियो वायरल, परिवार की हत्या करने को देता था धमकी, मुकदमा दर्ज। इटावा में अधिवक्ता ने महिला को 5 गोलियां मारी, गोली मारकर खुद भी कर ली आत्महत्या, महिला का अस्पताल में चल रहा इलाज। गोरखपुर में मां बेटे ने किया सुसाइड, 6 महीने पहले 69 लाख में बेचा था घर, बड़े बेटे ने धोखे से हड़प लिए थे रुपए। झांसी में हत्या कर जलाई गई महिला की शिनाख्त नहीं, एक पिता का दावा, शव 3 माह पहले लापता हुई बेटी का, पुलिस डीएनए कराएगी। महाराजगंज में ट्रक और मैजिक में भिड़ंत, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 10 लोग घायल, 2 को गोरखपुर किया गया रेफर। सुल्तानपुर में नकली डीएपी बनाना वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने 4 को हिरासत में लिया, प्रयागराज और प्रतापगढ़ में करते थे सप्लाई। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद बोले मुस्लिमों की वेशभूषा देख डर लगता है, मेरठ में कहा धर्मांतरण नहीं रुका तो स्थिति भयावह होगी। गाजीपुर में सामुदायिक भवन में 2 सड़कों का लोकार्पण, मिनी ट्यूबवेल का किया गया शिलान्यास, सपा अध्यक्ष बोली सभी के सहयोग से यह संभव। गाजियाबाद में हिंदू नेता को व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज, मैसेज में लिखा है सावधान रहिए नहीं तो आपको कंटेक्ट में ले लिया जाएगा। कानपुर में युवती का गला रेतकर हत्या, सड़क से 100 मीटर दूर मिला शव, जेब में था बांदा के क्लिनिक का पर्चा, पुलिस शिनाख्त में जुटी। मेरठ में पीएससी के पीछे देर रात भीषण आग, 2 दर्जन से अधिक झुग्गी झोपड़ी जलकर खाक, 7 दमकल लगी हैं तब जाकर बुझी आग। बलिया में ट्यूशन से लौट रही नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, पिता की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया है मुकदमा। मिर्जापुर में अपराधियों पर शिकंजा कसेगी पुलिस, एसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ किए बैठक और टीम बनाकर गिरफ्तारी का दिया है निर्देश। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का फूड प्लाजा बंद, स्टेशन डायरेक्टर ने प्लाजा के मैनेजर से की थी मारपीट, प्लाजा बंद होने पर उठ रहे हैं कई सवाल। डेंगू कहर जारी, महिला की मौत, 67 नए मरीज, बिल्लौर की महिला हेलमेट में थी भर्ती, 1000 के करीब पहुंचने वाला मरीजों का आंकड़ा।
शाहजहांपुर में पत्नी की एसिड अटैक करने वाला गिरफ्तार, पति ने अस्पताल में नौकरी करने से रोका। महोबा में बुजुर्ग ने ट्रेन से कटकर की आत्महत्या, बेटा बोला चाचा ने जमकर जबरन की थी जमीन पर कब्जा और जान से मारने की दी थी धमकी। बरेली में महिला की मौत, डेंगू के 4 नए मरीज, जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या 276 पहुंची। झांसी में गैंगस्टर कमलेश यादव की संपत्ति, कुल 44 लाख कीमत का मकान और 1.2 हेक्टेयर जमीन जब्त, 38 मुकदमे दर्ज। अयोध्या में 4 सीओ के कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया गया, सीओ अयोध्या डॉक्टर राजेश तिवारी बने सीओ सदर, शैलेंद्र गौतम सीओ अयोध्या। लखनऊ में प्रेमी ने प्रेमिका को चौथी मंजिल से नीचे फेंका, लड़की की हुई मौत, धन परिवर्तन का बना रहा था दबाव। अंबेडकर नगर में पुरानी रंजिश को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया कुल्हाड़ी से वार, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर में रेल की चपेट में आने से व्यापारी की हुई मौत, व्यापारी की मौत से परिवार में मचा कोहराम। देवरिया में 2 बाइकों में टक्कर, टक्कर से 2 व्यक्ति घायल, घायल नाजुक, मौके पर पहुंची पुलिस, दोनों के इलाज के लिए किया है जिला अस्पताल में भर्ती। हमीरपुर में आरटीओ विभाग बना दलालों का अड्डा, दलालों की मर्जी के बिना नहीं होते हैं यहां लोगों के काम, मनमानी रुपए लेकर करते हैं काम। अमेठी में सभा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने नगर पालिका पर लगाए गंभीर आरोप, वोटर लिस्ट में संशोधन में निवासियों का काटा जा रहा है नाम। औरैया में एसपी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल, पुलिस का रियलिटी चेक करने को खुद रात को अकेले एसपी। अमेठी में नाबालिग किशोरी से हुई हवानियत का शिकार, गांव के रईस जादे ने खेत दिखाने के बहाने किया दुष्कर्म, आरोपी पर मुकदमा दर्ज। औरैया में नहीं थम रहा है तेज रफ्तार का कहर, बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर खड़े ट्रक में डंपर ने मारी है टक्कर, हादसे में चालक की मौत। बिजनौर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा वाकर कांड के आरोपी आफताब को फांसी देने की है मांग, कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। अलीगढ़ में मां को बचाने में बेटी की चढ़ी बलि, शराबी पिता ने बेटी पर दागे 3 फायर, बेटी की मौके पर ही हुई मौत, आरोपी पिता फरार। बुलंदशहर में सट्टा और जुआ खेलते समय वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, वायरल में सट्टा और जुआ खेलते हुए दिख रहे हैं जुआरी। देवरिया में थाना बिरियारपुर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, पुलिस ने 2 गौ तस्कर को किया गिरफ्तार। गोंडा में खेत में पानी डालने गई लड़की के साथ छेड़छाड़ की मारपीट, पीड़ित लड़की ने अपने ही पड़ोस के लड़के पर लगाया आरोप। हरदोई में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का हुआ शुभारंभ, राम जानकी मंदिर से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा में जमकर झूमे भक्त। कासगंज में टीम के लिए खाद्य पदार्थों के 54 नमूने, फूड सेफ्टी वैन में जांच के बाद 4 सैंपल फेल, डीएम के निर्देश पर कार्रवाई। हरदोई में जमीन कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर डीएम से शिकायत करने पहुंचे किसान,
भेजा गया कोतवाली, डीएम से मिलना चाहता था किसान। कासगंज में कानून व सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क, कोतवाली प्रभारी हरिभान सिंह ने नगर में किया पैदल गश्त। लखनऊ विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस में सिक्योरिटी का धरना प्रदर्शन, 3 महीने की सैलरी न मिलने से नाराज गार्डों ने किया प्रदर्शन। हरदोई में हाईवे पर पिकअप और स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर, 20 सड़क पर पिकअप डाला पलटने से सैकड़ों मुर्गियों की हुई मौत। मैनपुरी में भाजपा प्रत्याशी रघुराज का बड़ा बयान, बोले नेताजी मुलायम सिंह यादव बड़े कद के नेता थे। रायबरेली में अवैध कब्जादारों पर गर्जा बाबा का बुलडोजर, एसडीएम सदर ने राजस्व टीम के साथ भूमाफियाओं के 12 बीघे जमीन को मुक्त कराया। श्रावस्ती में लोहिया वानी प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जताया चांद से खतरा, मोहम्मद अली खान ने लगाई सुरक्षा की गुहार। रायबरेली में शिक्षा के मंदिर में शिक्षिका का उत्पात मचाने का आरोप, साथी सहायक शिक्षिका को दांत से काटने का वीडियो हुआ वायरल। गाजियाबाद में पेड़ से लटकता मिला युवा का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में आवारा मवेशी बचाने के चक्कर में पलटा ट्रैक्टर, हादसे में एक युवक की हुई दर्दनाक मौत। शाहजहांपुर में पोषण अभियान के तहत तंदुरुस्त बालक कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार रहे मौजूद। गोंडा में सपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख साबिर अली का निधन, कैंसर से पीड़ित थे साबिर, 5 साल से चल रहा था इलाज। जल्द बढ़ेगा रोडवेज बसों का किराया, 20 पैसा प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ सकता है परिवहन का किराया, परिवहन मंत्री ने प्रमुख सचिव के साथ बैठक की। प्रयागराज में बस और ट्रक में भिड़ंत, हादसे में कंडक्टर और क्लीनर सहित 2 सवारियों की मौके पर हुई मौत। रामपुर से समाजवादी पार्टी के आसिम रजा को बनाया गया प्रत्याशी, लोकसभा उपचुनाव में सपा से उम्मीदवार रह चुके हैं आसिम रजा। सीतापुर में महिला से अभद्रता करने वाला दरोगे हुए लाइन हाजिर, महिलाओं से अभद्रता करते हुए दरोगा का वीडियो हुआ था वायरल। प्रयागराज एक दिन का सीएम बनने के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा प्रकाश चंद्र अग्रवाल, कहा भ्रष्टाचार का कर दूंगा खात्मा। सीतापुर में थाना प्रभारी का गाली देते हुए वीडियो हुआ है वायरल, थाना प्रभारी थाने में आए फरियादियों से कर रहे थे बसलुकी से बात। योगी कैबिनेट में 24 प्रस्ताव पास, पुराने महलों को हेरिटेज होटल में बदलेगी सरकार, गाजियाबाद मेरठ में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मंजूर। लेवाना होटल में 9 दिसंबर को चलेगा बुलडोजर, 2 महीने बाद भी मैनेजमेंट होटल के अवैध होने का सबूत नहीं दे सका। कन्नौज में बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या, मंदिर के पास कूड़ा डालने से रोकने पर हुआ झगड़ा, बहू के साथ अभद्रता कर रहे थे आरोपी। गाजियाबाद में खेल खेल में दोस्तों का मर्डर, दोस्त के ऊपर डाली बोरी, गर्दन पकड़कर बरसाए घूंसे, आंख में लगी चोट बनी जानलेवा।
सोनभद्र में एक दिन पहले गायब हुई महिला का मिला शव। पति बोला बाजार जाने के लिए घर से निकली थी, नहीं लौटी तो शुरू की खोजबीन। मऊ में साफ सफाई व्यवस्था में हो रही है बड़ी लापरवाही, नालियों में अटी पड़ी है गंदगी। 300 से अधिक कर्मचारी नगर पालिका में है तैनात। कानपुर में गड्ढामुख सड़कों का हाल देखने निकले मंडलायुक्त, कई इलाकों का किया निरीक्षण, अफसरों को दी है चेतावनी। मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी रघुराज साक्य ने किया नामांकन, सफाई पहुंचकर मुलायम को दी श्रद्धांजलि, कहा नेताजी के ही आशीर्वाद से जीत मिलेगी। गोवर्धन में हाईटेंशन लाइन से फंसा पैराग्लाइडर, उड़ान भरते समय हादसा, हवा में झूलते रहे पायलट और महिला। कांस्टेबल के बेटे ने गोली मारकर किया सुसाइड, मौत से पहले पिता को फोन करके कहा मैं गोली मारकर जान देने जा रहा हूं। इटावा में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, ट्रक से 20 फीट बाहर निकली सरिया गले में घुसी, चालक ट्रक छोड़कर हुआ फरार। कानपुर दरोगा सुसाइड की दोबारा होगी जांच, परिजनों के आरोप, महिला कांस्टेबल से परेशान होकर दी है जान, पुलिस की तहरी पर का इंतजार। बांदा में आयुष्मान कार्ड बनाने में शिथिलता पर डीएम सख्त, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश, प्रधान और राशन डीलर भी करेंगे सहयोग। लिफ्ट के अंदर कुत्ते ने बच्चे को नोचा, ग्रेटर नोएडा में मां के हाथ साथ घर जा रहा था, हाथ पर किए गहरे घाव। बस्ती में टीएम ने दो खाद क्रय केंद्रों का किया निरीक्षण, सुविधाओं खरीद की स्थिति की ली है पूरी जानकारी, किसानों से अधिक खरीद के दिए निर्देश। अधिवक्ता हुए लामबंद, सड़क पर उतरकर जाम जमकर की है नारेबाजी, कहा काम के लिए मांगी जाती है रिश्वत। फिलहाल 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों, बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।